हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवी गार्डन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, मैंने कंटिन्यू आपको नर्सरी टूर की वीडियोज आपको देता रहा हूँ। इस वीडियो में भी आपको कुछ खासियत, कुछ अच्छे प्लांट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको ध्यान से देखने हैं प्लांट्स को, फुल देखना है वीडियो, ताकि आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में पता चले। तो सबसे पहले हमारा जो प्लांट आएगा वो रहेगा क्रोटोन का। क्रोटोन फ्रेंड्स एक ऐसा प्लांट होता है जो कि धूप में और छाया में सर्वाइव करता है, लेकिन छाया में इसको कीड़े लगते हैं, सो लोग धूप में प्रिफ्रेंस देते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो प्लांट रहेगा वो है हिबिस्कस का। हिबिस्कस का प्लांट इसलिए फेमस है क्योंकि इसको आपको सालों भर मिल जाते हैं और प्लस फ्लावर भी सालों भर मिलते हैं। एक बात है कि वाइट मिलीबग इसको अफेक्ट करता है, तो उसके लिए भी दवा होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नीम वाले स्प्रे करें हर 15 दिन में तो फिर लगेगा भी नहीं। ओके, नेक्स्ट प्लांट हम देखते हैं जरबेरा को। जरबेरा का कलेक्शन भी इनके पास काफ़ी अच्छा है, और उससे भी बड़ी बात है कि ये सस्ते है। आपको 40 रुपये से 30 रुपये तक ये जरबेरा हमको पता चला है, क्योंकि ये पॉली बैग में लगा हुआ है और ये देसी टाइप के जरबेरा है। इसके जो फ्लावर आते हैं थोड़े अलग टाइप से, थोड़ा खुला हुआ ज़्यादा होता है, और जो टिश्यू कल्चर होते हैं वो भरे होते हैं। देख सकते हो खुला हुआ है थोड़ा। ओके, लेकिन जहाँ तक कलियाँ की बात करूँ तो कलियाँ इनके भी वैसे ही हैं जैसे उनके होते हैं टिश्यू कल्चरल वाले। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो है अपना रिसी गंधा, जो कि गंधा से ही पता चलता है कि गंध बहुत ज़्यादा होता है, स्मेल बहुत ज़्यादा होता है। इस नर्सरी की खासियत दिखाओ, उधर जो है वो गाय पालन होता है, पशुपालन होता है, और उसी के गोबर से फर्टिलाइज किया है, यानी कि ये टोटली हर्बल नर्सरी आपको देखने को अभी तक में मिलेगा। केमिकल का बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये ऐसा है। ओके, देख सकते हो ऋषिगंधा की कितनी अच्छी है, मतलब ये छोटे से बैग में आपको 15 से 20 रुपए में ये प्लांट मिलेगा, लेकिन ये जो है छोटे से बैग में है, लेकिन फ्लावर जो है बहुत अच्छा खिला हुआ है। पूरा आपको दिख रहा होगा तो ऋषिगंधा ही भरा हुआ है। ये देखिए पूरा जो है ऋषिगंधा ही यहाँ तक भरा हुआ है, और सब में डंडी अपनी निकल चुकी है, और प्लांट बहुत हेल्दी भी है। अब हम अगले प्लांट को देख लेते हैं, वो अनंता। स्मेल के लिए अनंता भी ऋषिगंधा से कम नहीं होता है, यानी कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, फ्रैग्रेंट दोनों होते हैं। नेक्स्ट प्लांट हम देखेंगे कृष्णा कमल। कृष्णा कमल लोगों को ज़्यादा इसलिए पसंद आता है क्योंकि इसमें फ्लावर आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। उससे भी बड़ी खासियत मुझे अभी थोड़ा थोड़ा दिन पहले पता चला है कि इसमें एक फल भी होता है जिनको लोग जूस के रूप में यूज करते हैं। आज मुझे पता चला है, आज मैंने वीडियो बनाया तो आपको बताया, मुझे पहले पता नहीं था। फैक्ट है मुझे ज़्यादा प्लांट्स की जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से लर्न करना उसके बारे में सीख रहा हूँ अभी। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारी जानकारी जहाँ तक है कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।